9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, स्टेचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में देश के कोने कोने के किसानों ने निभाई अहम भूमिका। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए नेफेड ने खरीदी 840 मीट्रिक टन प्याज। कांदा एक्सप्रेस से पहुंची दिल्ली प्याज, इससे पहले भी 1600 मीट्रिक टन प्याज भेजी जा चुकी है दिल्ली एनसीआर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना। योजना के तहत 10 उन्नत नस्लों की गायों की मिनी डेयरी के लिए 2 चरणों में मिलेगा 11.80 लाख रूपए का अनुदान। 1 से 30 नवंबर तक दिए जा सकते हैं आवेदन। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट रोकने के अभियान के तहत बीकानेर में अवैध गोदाम से नकली डीएपी व अन्य खाद के 305 कट्टे किए गए बरामद। यहां किया जा रहा था नकली डीएपी व अन्य सामग्री का अवैध भंडारण। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्ष एकता अखंडता के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरे रहे हैं। राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। ये एकता नगर यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसके नाम में यूनिटी है। देश के कोने कोने के किसानों से लोहा लिया गया, देश के कोने कोने से मिट्टी लाई गई। इसका निर्माण एकता की अनुभूति कराता है। एकता नर्सरी विश्व वन पेड़ पौधे न्यूट्रिशन पार्क है, आरोग्य वन है। इतना ही नहीं, एकता मॉल भी है। देश भर के हैंडीक्राफ्ट एक छत के नीचे मिलते हैं। एकता नर्सरी विश्व वन पेड़ पौधे न्यूट्रिशन पार्क है, आरोग्य वन है। इतना ही नहीं, एकता मॉल भी है। देश भर के हैंडीक्राफ्ट एक छत के नीचे मिल जाते हैं। सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारा ये एकता नगर। यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है, इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए पूरे देश के कोने कोने से, देश के किसानों के पास से, खेत में उपयोग किए हैं औजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया। क्योंकि सरदार साहब लौह पुरुष थे, किसान पुत्र थे, इसलिए लोहा और वो भी खेत में उपयोग किए औजार वाला लोहा यहां लाया गया। यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है। इसका निर्माण स्वयं में एकता की अनुभूति कराता है।
अगली खबर का रुख करते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा खरीदा गया 840 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली एनसीआर में खपत के लिए बुधवार को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दिल्ली एनसीआर में ट्रेन द्वारा पहुंचाई गई प्याज की ये दूसरी बड़ी खेप है। इससे पहले एनसीसीएफ ने 20 अक्टूबर 2024 को कंडा एक्सप्रेस द्वारा 1600 मीट्रिक टन प्याज किशनगंज स्टेशन पर पहुंचाई थी। बाजार में समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए अधिकांश प्याज आजादपुर मंडी में उतारी जाएगी, जबकि स्टॉक का कुछ हिस्सा 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सरकार ने इस वर्ष प्याज के मूल्य को स्थिर रखने के लिए 4.7 लाख टन रबी प्याज की खरीद की थी। 5 सितंबर 2024 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खुदरा बिक्री के माध्यम से और देश भर की प्रमुख मंडियों में थोक बिक्री के माध्यम से उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। अब तक 1.40 लाख टन से अधिक प्याज नासिक और अन्य केंद्रों से ट्रकों के माध्यम से उपभोग केंद्रों तक भेज दिया गया है। इसके पहल से लेकर अब तक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्यों में प्याज की खुदरा कीमतें काफी हद तक स्थिर हो गई हैं। अक्टूबर के दौरान देश भर में औसत खुदरा कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। गुवाहाटी में रेल द्वारा प्याज की खेप भेजे जाने से पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी उपलब्धता बढ़ेगी और उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में कीमतों पर और राष्ट्रीय औसत पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने एवं गौपालकों को सशक्त बनाने के लिए मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सरकार द्वारा स्वदेशी नस्लों की गाय पालने के लिए अनुदान के साथ ही बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 11,80,000 रुपए का अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन 1 नवंबर से शुरू किए जाएंगे जो 30 नवंबर तक चलेंगे। ये योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गई है। मिनी डेयरी के लिए साहिवाल, गिर एवं थारपारकर प्रजाति की 10 गाय की परियोजना की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख है, जिस पर लाभार्थी को अधिकतम 11,80,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। खरीदी जाने वाली गाय प्रथम या द्वितीय ब्याद की होनी चाहिए तथा गौवंश 1.5 माह से पूर्व ना ब्याही हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। मिनी डेयरी की स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड़ भूमि तथा चारा उत्पादन हेतु 0.80 एकड़ 34,848 वर्ग फुट भूमि अनिवार्य है। ये भूमि किसान की स्वयं की अथवा पैतृक अथवा न्यूनतम 7 वर्षों के लिए अनुबंध पर ली गई हो। योजना के माध्यम से पशुपालकों को नए अवसर मिलेंगे जिससे कि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के दौरान आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल updairydevelopment.gov.in पर अथवा www.animalhusb.upsdc.gov.in पर देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में बीकानेर कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान कृषि विभागीय टीम ने अवैध गोदाम से नकली DAP व अन्य खाद के 305 कट्टों का जखीरा पकड़ा। अवैध रूप से संचालित हो रहे गोदाम में इसके साथ मोलासेस पोटाश के 50 बैग, सागारिका के 3 बैग और 1900 खाली बैग के साथ 2 सिलाई मशीन से पैकेज करते 10 श्रमिकों को पकड़ा गया। यहां नकली DAP व अन्य सामग्री का अवैध भंडारण व पैकेजिंग कार्य किया जा रहा था। मौके पर बरामद नकली DAP व अन्य खादों के कट्टे टीम द्वारा सीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1900 थैले मौके से खाली भी बरामद हुए हैं।
कृभकों के 13 नकली छपे हुए कट्टों व के आर फर्टिलाइजर के 53 कट्टों सहित खुद के रॉ मटेरियल के 1900 कट्टों में उक्त भंडारण किया जा रहा था। केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोलंबिया के कैली में आयोजित जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भारत के योगदान पर जोर डाला। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत सांस्कृतिक रूप से ही हमेशा से जैव विविधता को संरक्षित करता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जैव विविधता के लक्ष्यों को अर्जित करने की राह पर अग्रसर है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिवाली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। मंत्रालय ने एक पोस्टर के माध्यम से हरित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त दिवाली मनाने पर बल दिया है। इस मिशन के माध्यम से लोगों को पर्यावरण अनुकूल त्यौहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिवाली को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए त्यौहार का आनंद उठाने के लिए बाजार में खास सामान मौजूद है। लोग इको फ्रेंडली दिवाली के लिए प्रतिबद्ध नजर आए। दीपावली भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्यौहार जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से दिवाली में खुशियां मनाई जाती हैं, रोशनी होती है और सजावट होती है, लेकिन इस सब के बीच पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े उसके लिए भी इस दिवाली खास तैयारी है। इस दिवाली एक संदेश बहुत खास है और वो है इको फ्रेंडली दिवाली का। जी हाँ, इस दिवाली मेले में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर इको फ्रेंडली सामान भरा पड़ा है। ऐसी ही एक शॉप में इस समय मैं मौजूद हूँ जहां पर आप देख सकते हैं जितना भी कुछ सामान है सभी कुछ इको फ्रेंडली है। जी हाँ, सभी कुछ प्रकृति से बनी चीजों से बना हुआ है। ये जो आपकी शॉप है यहाँ पर सारा सामान इको फ्रेंडली है। किस तरह से ये प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए मैम, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। इको फ्रेंडली का क्रेज बहुत है और बहुत ज्यादा बिक्री इको फ्रेंडली सामग्री की हो रही है। क्या कुछ ज्यादा यहाँ से लोग खरीद रहे हैं? मेरी स्टॉल के लक्ष्मी गणेश बहुत पॉपुलर है। देर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ मेरे यहाँ के लक्ष्मी गणेश और मंदिर लेते हैं पूजा के लिए, एंड दिए लाइक करते हैं, उर्लीज लाइक करते हैं। ये सब मैं मिट्टी से बनवाती हूँ। मेरे यहाँ कुछ POP का नहीं है, कोई भी मेटल की ऐसी चीज पूजा की चीज नहीं है, सब मिट्टी से बनी हुई होती है जो कि इको फ्रेंडली है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पानी से और धूप से खराब नहीं होता, मिट्टी का सामान, और लोग पसंद करते हैं, चीज अच्छी चलती है। इस दिवाली को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए त्योहार का आनंद उठाने के लिए बाजारों में खास उत्पाद मौजूद हैं। लोग बढ़ चढ़ कर इको फ्रेंडली सामान खरीद रहे हैं। इको फ्रेंडली दिवाली के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता साफ नजर आ रही है। एक गणेश लक्ष्मी दिया है फॉर दिवाली पूजा। बाजार बहुत अच्छा है, पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है, अभी शॉपिंग स्टार्ट करनी है। स्लीपर्स आर वेरी गुड, सूट कलेक्शन आर वेरी गुड। We have a planters basically because Diwali is all about colors, so thought of adding some colors to home, greens, oranges, and yeah. As you see, I'm scouting for tulsi plant. We're planning on gifting them to our loved ones. Like our local craftsmen, they are here to display their own craft. It's a very good place for you to shop. प्लास्टिक सजावट के बजाय इस बार लोग घर को पेपर, कपड़े या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सजाने के लिए तैयार हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोग इको फ्रेंडली सजावटी वस्तुओं का चयन कर रहे हैं। ये ना केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि आपकी दिवाली को और खास बना देगा। शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिवाली का त्योहार कारीगरों के लिए रोजगार का बड़ा मौका होता है। लोग देसी उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों की रौनक, छोटे कारीगर और आर्टिस्ट्स के चेहरे पर मुस्कान बनकर छलक रही है। बाजार की इस सजावट, इस रौनक के पीछे लाखों कारीगरों की मेहनत छुपी है। इन कारीगरों ने दिवाली के त्योहार के लिए महीनों तैयारी की है। वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे ने भारतीय कारीगरों के लिए नए द्वार खोले। देश भर में क्राफ्ट बाजार, दिवाली बाजारों और मेलों के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों से आए इन कारीगरों को मिल रहा है राष्ट्रीय मंच। घास को आप कैसे इतनी सुंदर चीजों में तब्दील कर देते हैं, बताइए। बेसिकली मैडम, ये हमारा जो जंगली घास होता है वहाँ हमारा जंगल एरिया में, हिल एरिया में ही होता है ये। वो 5 फीट 6 फीट के वो
अंदर आती है, इसको हम काट के इसको अच्छे तरीके से सुखा कर उसको डाई करके अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल कलर बना के ये सब चीज़ हम करते हैं। जिस लगभग 5,000 लोग हो जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा ये उड़ीसा में सिर्फ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बाल्यापाल में ही अवेलेबल हो। यहाँ पर गुजरात की कढ़ाईदार शॉल जो हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। काला कॉटन कपड़ा है, कच्छ में होता है वीविंग का कपड़ा, उसके पीछे से लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ ये धागा गिन के मतलब काउंटिंग करते हैं, इसकी डिज़ाइन आगे पड़ती है। मेरे साथ 250 लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं और उनको सबको मतलब काम देते हैं, तो घर में काम करते हैं सब, फिर प्रोडक्ट बना के ले आते हैं। टेराकोटा का सामान इस बार खूब बिक रहा है, कई परिवार पीढ़ियों से इस कला को संजोए हुए हैं। ये है मैम रूफ टाइल्स, जो पहले पुराने जमाने में छत के ऊपर जो लगता था, ये जो टाइल है ये बुरा नजर ना लगे सोच के लोग लगाते थे, आदिवासी लोग। स्वयं सहायता समूहों के लिए भी ये दिवाली बेहद शुभ है। बुनकर महिलाओं के समूह ने अपनी मेहनत से कर्नाटक की करीब 30 से ज्यादा बुनाई तकनीकों को पुनर्जीवित किया है, जिसके कारण दोहरे पल्लू की साड़ियों को आज फिर बाजार मिल रहा है। कितनी औरतें आपके साथ जुड़ी हुई और किस तरह से, क्या उन्हें ट्रेनिंग प्रशिक्षण ये सब आप? तो हमारे पास मास्टर वीवर दो थे जिनकी मदद से हमने लेडीज जिनके पास काम नहीं था तो उनको हमने वीविंग सिखाया, तो अब हमारे पास 50 से भी अधिक महिलाएं हैं जो ये वीविंग करती हैं। खरीददारों को भी स्वदेशी सामान खूब लुभा रहा है। I celebrate Diwali in Malaysia. Okay, I'm here for these brothers to get some souvenirs, saris, and to decorate things for my house. It's a great place. It's a great choice that we have over here. बहुत अलग अलग बेल डिजाइन, अलग अलग डिजाइन में लेके आए। ऐसे कला पुरानी कला है, बहुत 800 साल पुरानी कला है। यकीनन ये दिवाली कुटीर उद्योग से जुड़े इन कारीगरों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आई है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को जलालाबाद, दाहोद और श्री गंगानगर मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जबकि फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 29 अक्टूबर को प्याज का भाव था 4,600 रुपए, 30 अक्टूबर को प्याज का भाव 300 रुपए लुढ़क कर 4,300 रुपए रह गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भी प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 29 अक्टूबर को प्याज की खरीद 4,200 रुपए पर हुई, 30 अक्टूबर को इसमें 200 रुपए की नरमी आई और भाव 4,000 रुपए क्विंटल पर आ गया। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। यहां 30 अक्टूबर को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 4,600 रुपए से 4,500 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 29 अक्टूबर को यहां प्याज का भाव 3,800 रुपए था, 30 अक्टूबर को इसके सौदे 40 रुपए बढ़कर 3,850 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22,94,000 टन कम है। वहीं बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो संबलपुर, जलालाबाद और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि लखीमपुर मंडी में धान के भाव में तेजी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की संबलपुर मंडी में 29 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 30 अक्टूबर को 2,000 रुपए पर टिका रहा।
पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते दो दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 अक्टूबर को धान 2,320 रुपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 29 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,805 रुपए। 30 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 1,805 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 29 अक्टूबर को धान का भाव था 2,120 रुपए। 30 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,130 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 13 करोड़ 78 लाख 25 हजार टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 13 करोड़ 57 लाख 55 हजार टन की तुलना में 20 लाख 70 हजार टन की वृद्धि को दर्शाता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के पूर्वी सूखे इलाके में रागी की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान चने की बुवाई भी कर सकते हैं। सूरजमुखी, राजमा और लोबिया की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कुसुम, सूरजमुखी, नाइजर और काबुली चने की बुवाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाके में काबुली चने की बुवाई और मिर्च की रोपाई का काम करें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के किसान इन दिनों ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुवाई कर सकते हैं। केरल के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। केरल में सब्जियों की बुवाई समय पर करें। महाराष्ट्र में फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान सुबह के समय तैयार अगेती धान की कटाई का काम करें। कोंकण में साफ मौसम के दौरान मूंगफली की खुदाई भी कर लें। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तैयार बाजरे और सोयाबीन की कटाई करते रहे। यहाँ के किसान हरे चारे की कटाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा में कुसुम और चने की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में खरीफ की तैयार सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। विदर्भ के वाशिम जिले के किसान इन दिनों गेहूं की बुवाई का काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का की कटाई करें। तेलंगाना में दक्षिणी इलाके में मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान काले चने और कुसुम की बुवाई भी करते रहें। सरसों और मक्का की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की एक हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को झंडी दिखाई। हरियाणा के सीएम सैनी ने दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों की सराहना की और दिवाली के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीपावली की पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशी और उत्साह का त्यौहार है और यह ज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों द्वारा श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा, देशवासियों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ और सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आगमन पर दीपोत्सव मनाया गया। राम की पौड़ी चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर 25,12,585 दीप जलाए गए। वहीं 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के बाद घाटों की सफाई की गई। बता दें कि दिवाली के अवसर पर अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिवाली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर आरती में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर अयोध्या वासियों को मिठाई बांटी और बच्चों को चॉकलेट दी। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दीपोत्सव का पूर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मस्थान में दीपों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिली जो भक्तों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रकाश के पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर मां नर्मदा का पवित्र तट गौरी घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में मां नर्मदा के भक्तगणों ने 51,000 दीयों से घाट को रोशन किया। देश भर में दीपावली की धूम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8,000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज की पहाड़ी इलाकों में दिवाली मनाई। बोली नैनी राजगोपाल नायडू को त्रिमाला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तेलुगु समाचार चैनल TV5 के मालिक BR नायडू TTD बोर्ड के 54वें अध्यक्ष होंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। किसान बदलते भारत की शान। DD किसान बदलते भारत की शान।